तो यार अगर आप भी एक स्मार्टफोन सर्च कर रहे हो जिसमें आपको फ्लैगशिप लेवल के स्पेक्स देखने को मिल जाए एंड वो भी 25K के अंडर में, तो यार ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा फ़ोन सबसे बेटर रहने वाला है। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला जो फ़ोन इस लिस्ट में है वो है रियलमी की तरफ से रियलमी GT Neo 3T। अगर मैं इस फ़ोन की बात करूँ तो इसमें आपको 6.62 इंचेस का स्क्रीन साइज देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले, इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 1300 निट्स की ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाएगा जिसे आप अपग्रेड कर सकते हो एंड्रॉइड 13 में। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 दिया गया है। ये आपको दो वेरियंट में मिल जाएगा, 6GB 128GB एंड 8GB में भी आपको 128 और 256GB का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 64+8+2, जिसमें 64 MP का प्राइमरी कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है एंड 2 MP का मैक्रो कैमरा है। इससे आप 4K वीडियो 60 FPS में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अब बात करते हैं सेल्फी कैमरा की। इसमें आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा एंड आप उससे भी 1080p में 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी एंड इसमें आपको 80W का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। करंटली इसका प्राइस 30,000 है, बट डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स अगर इंक्लूड कर दें तो आपको फ्लैट 5000 ऑफ मिल जाएगा इस फोन पे। अब बात करते हैं इस लिस्ट के सेकंड फोन पे, जो कि है मोटोरोला की तरफ से मोटोरोला Edge 30। अगर मैं स्क्रीन साइज की करूँ तो इसमें आपको 6.5 इंचेस का एक अच्छा स्क्रीन साइज देखने को मिल जाएगा। एमोलेड डिस्प्ले बेस्ड है एंड इसमें आपको 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट दिया गया है। काफ़ी स्नैपी सा फोन होगा बेसिकली। इसमें आपको एंड्रॉइड 12 दिया गया है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 778G+ का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा 6nm आर्किटेक्चर बेस पे। इसमें भी आपको 6GB रैम एंड 128GB रोम देखने को मिल जाएगी। कैमरा की बात करते हैं तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें 50 MP का प्राइमरी कैमरा होगा एंड 50 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी होगा एंड 2 MP का डेप्थ कैमरा है। इसके कैमरा से आप 4K वीडियोस 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें 32 MP का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है एंड आप इसके सेल्फी कैमरा से बिना 4K वीडियोस 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं एंड USB Type-C भी देखने को मिलेगी। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी गिवन है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4020mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी एंड 33W का वायर्ड चार्जर देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसके थर्ड फोन पे, जो कि है नथिंग फोन। अगर मैं बात करूँ इसके स्क्रीन साइज़ की तो इसमें आपको 6.55 इंचेस की स्क्रीन साइज़ देखने को मिल जाएगी OLED डिस्प्ले के साथ एंड इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। इस फोन में आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें प्रोसेसर की तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 778G+ देखने को मिल जाएगा। ये फोन आपको 8GB एंड 128GB वेरियंट में देखने को मिल जाएगा एंड इसमें अपग्रेडेड मॉडल भी हैं, जिसमें आपको 8GB एंड 256GB एंड 12GB एंड 256GB वाला भी मॉडल देखने को मिल जाएगा। आपको उस हर एक प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप की तो इसमें आपको दो कैमरा देखने को मिलेंगे, जिसमें 50 MP का वाइड कैमरा एंड 50 MP का ही अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। आप इससे 4K वीडियोस 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा एंड आप उससे 1080p की वीडियोस 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी गिवन है। इसमें आपको ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4500mAh की एक अच्छी बैटरी देखने को मिल जाएगी। 33W का वायर्ड चार्जर है एंड आप इसे वायरलेस भी चार्ज कर सकते हो। 15W का वायरलेस चार्जिंग हो जाती है इसे। ये फोन आपको लगभग 26,000 और 27,000 के बीच में मिल जाएगा। तो ये थी बेसिकली आज की लिस्ट, जिसमें हमने 3 अच्छे फोन्स के बारे में बात करी 25K के बजट में। फिर अगर आपको प्रॉपर गेमिंग करनी है ना, तो इन तीनों में से सबसे बेस्ट फोन लगा गेमिंग के लिए तो वो था रियलमी का GT Neo 3T, बिकॉज उसमें आपको स्नैपड्रैगन 875G का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा एंड 7nm का आर्किटेक्चर बेस है, तो वो ज़्यादा हीट भी नहीं करेगा। अगर आपको बेसिकली एक कैमरा फ़ोन चाहिए, आपको गेमिंग कम करनी है बट वो काफ़ी ज़्यादा स्नैपी सा फ़ोन हो, तो ये मोटोरोला Edge 30 के लिए आप जा सकते हो। अगर आपको फ़ोन का डिज़ाइन और उनका उसका कैमरा, आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए, तो आप नथिंग फोन के ऐप पे जा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।